हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स हैज़ एक्चुअली टेकन प्लेस देन वी विल टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटीज इन्वॉल्विड एंड द क्रिटिसिजम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं ठीक तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट डूइंग अ फर्दर डिले सबसे पहले मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि हमें अगर किसी कंट्री को गवर्न करना है किसी नेशन को गवर्न करना है तो सबसे पहले हमारे पास सेट ऑफ़ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था ये कोई ऐसा नहीं था कि मतलब सारा का सारा हमारा अपना पर्सनल था मतलब ये हमने वेरियस कंट्रीज से डराइव किया हुआ है हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के सोसेज डराइव किए और उसके बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया ठीक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वॉज नॉट ऑल ऑफ सडन इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व किए उनके लूप होल्स निकाले तो हमने बेस्ट देने की कोशिश करी तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई तो सबसे पहले अगर डिमांड देखी जाए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी वो 1934 ये सारे आपके एम फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकते हैं 1934 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो डिमांड रखी गई थी वो एम एन रॉय ने रखी गई थी तो हु पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट वॉज एम एन रॉय ये हमारे मतलब कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया के ये एक लीडिंग एक्टिव प्रोएक्टिव वर्कर थे तो नाइनटीन थर्टी में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार अपना ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि हमें कॉन्स्टिटूंट असेंबली चाहिए किसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री का नहीं होगा तो देर विल बी कंप्लीट कावर्स ठीक है तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए और उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू आईएनसी के बिहाफ पे डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फ्रेम्ड लेकिन विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए बट हमें किसी फॉरेन एजेंट की नीड नहीं है वो हमें कोई फॉरेन एजेंसी टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट नहीं कर सकती जिस जैसे मैंने सोरेन कहा तो वही वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाना है तो जो डिमांड थी फाइनली जब एक्सेप्ट एस, एसे, हुई जो अगस्त ऑफर नाइनटीन का था उस टाइम पर इस डिमांड को कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया तो 1942 में क्या होता है सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो एक मेंबर थे कैबिनेट के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में भेजा किसके लिए कि हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ल्ड वॉर जो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स क्या था कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो इंडिया के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे ठीक तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो वहाँ के मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया में तो वो 1942 में इंडिया विजिट करते हैं तो द क्रिप्स प्रपोजल्स जो थे उनको मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्यों क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया को हम आ, मतलब दो ऑटोनोमस स्टेट में डिवाइड करें मतलब इंडिया पाकिस्तान जो उनका पहले से चल रहा था तो फाइनल में क्या हुआ सर मतलब स्टेफर्ड क्रिप्स प्रपोजल या क्रिप्स मिशन इसके बाद हमारे पास आता है कैबिनेट मिशन तो कैबिनेट मिशन जब इंडिया आया इसके इसको जो हेड कर रही थी वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और थ्री मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजे थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी एलेक्जेंडर वो इंडिया में 1946 में आते हैं और अपना जो प्लान था कॉन्स्टिट्यूश असेंबली के रिगार्डिंग वो मई 16 1946 में अपना फ्रेम देते हैं तो इसमें बेसिकली हमें ये याद करने की ज़रूरत है कि हु आर द मेम्बर्स इन्वॉल्व इन इट वेन कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया क्रिप्स अगस्त ऑफर ज़्यादातर इसको हम डिस्कस मॉडर्न हिस्ट्री में करेंगे वी आर सपोज टू स्टडी इट फ्रॉम पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो मोटे तौर पर यह सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इसके बाद इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ़ टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इट फोर्थ स्कीम फॉर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कौन कैबिनेट मिशन प्लान विच मोर आर लेस सेटिसफाइड द मुस्लिम लीग तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सबसे पहले थर्टीन दिसंबर नाइनटीन फोर्टी सिक्स को जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असेंबली में दिया उसने क्या फंडामेंटल्स और फिलोसफी ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सपोज वो किसने दिया जवाहरलाल नेहरू का थर्टीन दिसंबर नाइनटीन फोर्टी सिक्स दिस कॉन्स्टिट्यून असेंबली डिक्लेय एंड सोलम रिजोल्ट उसने क्या कहा कि उसमें जो था कि इंडिया शुड बी एन इंडिपेंडेंट सॉरन रिपब्लिक एंड टू ड्रा अप फॉर हर फ्यूचर गवर्नेंस ए कॉन्स्टिट्यूशन तो विद इन द दैट नाउ कंप्राइज ब्रिटिश इंडिया द टेरिटरीज दैट नाउ फॉर्म द इंडियन स्टेट एंड सच अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज आर आउटसाइड इंडिया एंड द स्टेट्स इज वेल एज अदर टेरिटरी एज आर विलिंग टू बी कॉन्स्टिट्यूशन इन टू द इंडिपेंडेंट सॉरन इंडिया सेल्फ यूनियन ऑफ दमाल मतलब जितने भी उस टाइम पर हमारी टेरिटरीज थी आई दे दर कंट्रोल्ड बाई ब्रिटिश अर्धि और प्रिंसली स्टेट इन सब के लिए हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने वाला था और जिसको हम बाद में यूनियन ऑफ इंडिया मतलब हम यूनियन कहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया ठीक तो ये सारी चीज़ें पहले ही मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर्स में कहा सान मीन्स मतलब जो रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने 1946 दिसंबर थर्टी 1946 में दिया उन्होंने क्लियरली ये स्टेट कर दिया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा दैट शुड बी सोवेरन हमारे पास कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए ठीक तो उस तरीके से हम अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम इसमें से निकाल सकते हैं तो ये सारी चीज़ें इसमें रही ठीक तो इसमें बड़े सारे सेफ जो थे वो माइनॉरिटीज़ के लिए लिए गए बैकवर्ड क्लासेस के लिए लिए गए ट्राइबल एरियाज़ के लिए डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेस ठीक तो इसमें हमने कोशिश की कि जो इंटीग्रिटी क्योंकि जो थ्रेट एक इंटरकनेक्टेड स एक रिपब्लिक में होनी चाहिए या एक डेमोक्रेसी में होनी चाहिए तो वो हमने इसमें कोशिश की लाने की दिस एनशंट लैंड अटेंड्स इट्स राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड एंड मेक्स इट फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैन जो आगे आपको फिर जो लाइक पंचशील एग्रीमेंट या 1954 के जो जवाहरलाल नेहरू ने की तो सारी चीज़ें आपको ये दिखाते हैं कि कैसे हमने प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस और वेलफेयर ऑफ मैन काइंड और किस तरीके से हमने इंडिया को प्रोजेक्ट करना है वर्ल्ड के सामने और इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि हमारे इसमें मतलब जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल पोलिटिकल इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी बिफोर द लॉ फ्रीडम ऑफ थाट जिसको मतलब एक्सप्रेशन बिलीफ फेद वॉरशिप वोकेशन एसोसिएशन एक्शन ये सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व थे मतलब तो ये सारे के सारे होने चाहिए अब इसमें हम इन सब को डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में स्टडी करते हैं लाइक फ्यू ऑफ देम वी स्टडी इन फंडामेंटल राइट फ्यू ऑफ देम वी स्टडी इन डी पी एस पी फ्यू ऑफ़ देम वी मतलब हम इसको इन दोनों में स्टडी करते हैं जैसे जो जो मैंने चीज़ आपको बताई जस्टिस सोशल इकोनॉमिक मतलब मान लो किसी की फंडामेंटल राइट right की वायलेशन होती है तो फॉर द वायलेशन ऑफ़ फंडामेंटल राइट एंड एग्रीव्ड पर्सन कैन आईदर मूव टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स आर अंडर आर्टिकल थर्टी टू यी कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर दॉलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट कर अलग अलग उसमें देखेंगे बट हमें ये यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप था असेंबली का उस पॉइंट ऑफ टाइम में तो उनकी चीज़ में ये सारी चीज़ें थी कि हाउ और कॉन्स्टिट्यूशन शुड भी फ्रेम ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए ठीक तो उसके बाद अगर हम आ, इसके आगे चले तो कंपोजिशन जहाँ से मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्वेश्चन आते हैं ठीक